चिंपांजी बेहद मजबूत हैं और लंगूर कोई धक्का मुक्की नहीं कर सकते। दोनों क्षेत्रीय हैं और अक्सर अपने प्रभुत्व वाले पक्ष प्रदर्शित करते हैं। क्या आपने कभी चिंपांजी के बीच लड़ाई देखी है? क्या आपको लगता है कि लंगूर चीतों के गठबंधन को डरा सकते हैं? यदि आप चिंपांजी और बबून की अद्भुत दुनिया में डूबना चाहते हैं, तो देखते रहें, क्योंकि हम प्राइमेट्स द्वारा अविश्वसनीय और क्रूर शिकार के क्षणों का पता लगाते हैं। नंबर 6, चिंपांजी अटैक। एक चिड़ियाघर में चिंपांजी के एक समूह को उनके बाड़े में एक घुसपैठिया जैसा कुछ दिखाई दिया। करीब से निरीक्षण करने पर यह एक उपस्म लग रहा था। एक चिंपांजी ने उपस्म को पूंछ से पकड़ लिया और उसके पिछले हिस्से को सूंघा, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये कोई दूसरा चिंपांजी नहीं है। इसके बाद चिंपांजी ने उपस्म को खिलौने की तरह इधर उधर उछालना शुरू कर दिया। नंबर 5, बंदर वर्सेज पक्षी। इस क्लिप में बंदरों में से एक ने अपने पिंजरे में घुसे एक छोटे पक्षी को पकड़ लिया और उसे मारकर खाने लगा। मुझे लगता है कई बंदर को ये उम्मीद नहीं थी कि मुफ्त नाश्ता सीधे उसके पास आएगा। इस क्लिप के पूर्वी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली निरंतर प्रवाह में रहने वाली भूमि है। बोगोरिया झील पर राजहंस और बबून शांतिपूर्ण ढंग से एक साथ रहते हैं, परिदृश्य और उसके संसाधनों को साझा करते हैं। हालांकि वे संगत नहीं हो सकते हैं, वे बोगोरिया की प्रचुरता के बीच उदासीन रहने का जोखिम उठा सकते हैं। एक सफल प्रजनन सीजन के बाद जुलाई में लगभग 4 मिलियन राजहंस ग्रेट रिफ्ट वैली के तटों पर एकत्रित होते हैं। वे प्रवेश द्वारों को बंद कर देते हैं और क्षेत्र में भीड़ भाड़ पैदा कर देते हैं, जिससे स्थानीय लंगूरों का ध्यान आकर्षित होता है। कुछ बबून जिन्होंने पहले कभी इतने सारे राजहंस नहीं देखे हैं, अनिश्चित हैं कि कैसे प्रतिक्रिया दें। बोगोरिया में इतने सारे पक्षी हैं कि वे भागने की कोशिश में एक दूसरे पर ठोकर खाते हैं। हालांकि बबून मांस खाते हैं, लेकिन ये उनके आहार का नियमित हिस्सा नहीं है और फल और मांस के बीच चयन आमतौर पर सरल होता है। राजहंस पर ऐसा समन्वित हमला पहले शायद ही कभी देखा गया हो। बबून सुंदर उड़ते हुए पक्षियों के गुलाबी पंखों और गहरे लाल रंग के फूलों पर दावत करते हैं, एक नए स्वाद की खोज करते हैं जिसके वे जल्दी ही आदी हो जाते हैं। शायद ये संतुलन बहाल करने का प्रकृति का उदासीन तरीका है। इस क्लिप में एक युवा बबून को एक पक्षी मिला और उसने इसे सुबह के नाश्ते के रूप में खाने का फैसला किया। उसका दोस्त भी कुछ पाने की उम्मीद में उसके पीछे पीछे चल रहा था, हालांकि बंदर पूरी चिड़िया को अपने पास चाहता था। नंबर 4, बबून वर्सेज हंस। गीज बेहद आक्रामक हो सकते हैं, खासकर जब अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। इस दृश्य में आप बबून पर अपनी संतानों की रक्षा के लिए गीज को चार्ज करते हुए देख सकते हैं। उनके प्रयासों के बावजूद बबून अभी भी कुछ गोसलिंग को छीनने का प्रबंधन करते हैं। एक अंडा जो प्रतीत होता है उसे बचाने और बचाने के लिए गीज में से एक बबून पर हमला करता है, हालांकि यह एक गोसलिंग भी हो सकता है। मैं शर्त लगा रहा हूँ कि ये एक अंडा है। एक और बबून कुछ अंडे चुरा लेता है। इसके बावजूद कि वह इसे रोकने के प्रयासों के बावजूद ये देखते हुए कि बबून के दांत तेज़ होते हैं और आक्रामक होते हैं, ऐसे शिकारी के खिलाफ बचाव करना गीज के लिए आसान काम नहीं है। नंबर 3, चिंपांजी वर्सेज बबून। इस क्लिप में चिंपांजी ने खेलने के लिए कई किशोर बबूनों की खोज की है। ऐसे भिन्न जीवों के बीच छेड़छाड़ और हंसी मजाक से परिपूर्ण जंगल में ऐसी घनिष्ठता काफी दुर्लभ है। चिंपांजी की माँ बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे पर नजर रखती है कि कहीं वह शरारत न कर दे, और ऐसा करने के लिए वह दृढ़ संकल्पित लगता है। उसने एक बड़े लंगूर को चुना है जो खेल में भाग लेने से इनकार कर देता है, जो माँ की चिंता के लिए काफी है। वह अपने सबसे बड़े बच्चे को बुलाती है जो विशाल लंगूर को पीड़ा दे रहा है, और अपने सबसे छोटे बच्चे को उठाने के बाद एक अच्छी तरह से लक्षित चट्टान से लंगूर को डरा देता है। इस क्लिप में क्रोधित लंगूर कुछ मिनट बाद फिर से प्रकट होता है और एक युवा माँ पर हमला करता है।
लंगूर को निस्संदेह एहसास होता है कि इस मादा में दूसरी माँ के आत्मविश्वास की कमी है और वह उसे पीड़ा देना जारी रखती है। आखिरकार वह लंगूर को भगाने में सफल हो जाती है। लंगूर दो चिंपांजियों को परेशान करता है जिनमें से एक दूसरे से सुरक्षा चाहता है। यहाँ तक कि जब लंगूर पर ताकतवर चिंपांजी द्वारा हमला किया जाता है तब भी वो कमजोर को निशाना बनाता रहता है। आखिरकार ताकतवर चिंपांजी लंगूर को हमेशा के लिए भगा देता है। इस क्लिप के क्षेत्र में बबून की संख्या चिंपांजी से 4 गुना अधिक है। दोनों प्रजातियां अधिकांश समय शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रहती हैं, लेकिन बबून भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। यहां तक कि एक युवा चिंपांजी भी औजारों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके एक पूर्ण विकसित लंगूर को डरा सकता है। हालांकि धोखा अक्सर काम करता है। हमले बहुत वास्तविक हो सकते हैं। कभी कभी चिंपांजियों का एक समूह एक युवा बबून को पकड़कर मार देता है और उसके अवशेषों को खा जाता है। वैज्ञानिकों ने कभी सोचा था कि चिंपांजी उतने समय शाकाहारी नहीं हैं। वे दुर्जेय शिकारी हैं। कभी कभी इंसानों की तरह ही शिकार करने और अपने शिकार का पीछा करने में सहयोग करते हैं। नंबर 2, चिंपांजी वर्सेस गिलहरी। इस क्लिप के सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर में एक दुखद घटना में एक गिलहरी को 4 चिंपांजी द्वारा पीछा करते हुए पाया गया। शुरुआत में चंचल हरकतों में उलझने के बाद स्थिति में एक गंभीर मोड़ आ गया जब एक चिंपांजी ने अचानक हमला करके और अंततः असहाय प्राणी को मारकर खेल समाप्त कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये कठिन परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई बल्कि दर्शकों की प्रतिक्रिया की तलाश में चिंप ने दर्शकों के सामने अपनी भयानक विजय का प्रदर्शन किया। ये परेशान करने वाला प्रदर्शन चिड़ियाघर की सेटिंग में प्राकृतिक व्यवहार और मानव अवलोकन के बीच धुंधली रेखाओं की स्पष्ट याद दिलाता है। इस क्लिप के ओरेगॉन चिड़ियाघर में एक अन्य गिलहरी को एक चिंपांजी के हाथों दुखद भाग्य का सामना करना पड़ा। ये दृश्य एक गंभीर पैरोडी के दृश्य के समान सामने आया जिसमें असहाय कृंतक को इधर उधर उछाला जा रहा था जैसे कि वो शेप के हाथों में मात्र आटा हो। कुछ ही क्षणों में गिलहरी कुचली हुई और बेजान होकर मर गई। ये घटनाएं बंदी जानवरों के वातावरण में चल रही जटिल गतिशीलता की मार में याद दिलाती हैं, जो मानव दर्शकों के सामने जानवरों के व्यवहार के ऐसे प्रदर्शनों के नैतिक निहितार्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। नंबर 1, चिंपांजी वर्सेज बत्तख। चेस्टर चिड़ियाघर में एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया जब एक माँ बत्तख और उसके 12 बत्तख अनजाने में चिंपांजी के बाड़े में चले गए। जब चिंपांजों ने उग्रता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की और आक्रामकता प्रदर्शित की तो अराजकता फैल गई। दुखद बात यह है कि कम से कम एक चिंपांजी ने बत्तख के बच्चे की मौत से नाराज होकर हिंसा का सहारा लिया और अपने दल के दूसरे सदस्य पर हमला कर दिया। हंगामे के बीच बेचारी माँ बत्तख को उत्तेजित प्राइमेट में से एक ने हवा में उछाल दिया जबकि अन्य बत्तखों को उन्मत्त चिंपांजी द्वारा पकड़ लिए जाने और संभवतः कुचल दिए जाने के गंभीर भाग्य का सामना करना पड़ा। दोस्तों हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे। दोस्तों तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।